जाकिर मूसा आईएसआईएस के नहीं मगर अलकायदा के लिए नियुक्त हुए हैं। और देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्दी भी जो है वो लाई जाए, तो इस आतंकवाद को फैलाने का प्रयास चल रहा था काफ़ी सालों से, और उसमें अब उनने एक यहाँ पे एक छोटा यूनिट खड़ा किया। मगर ये कोई नई बात नहीं है, आपने देखा होगा पहले भी यहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन और सिमी फैलाने का, यहाँ बढ़ाने का प्रयास किया गया था, मगर उसको विफल किया गया, और ये भी बहुत शीघ्र ही विफल हो जाएगा। जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा बलों की और जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रयास चल रहा है, मेरे ख्याल से ये आतंकवाद बहुत जल्दी शीघ्र खत्म होगा। देखिए, फंडिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, ये फंडिंग पहले भी होती रही है, पहले भी पकड़ी जा चुकी है, ये नहीं कि पहली दफ़े नहीं हुआ है। मगर जहाँ तक हुर्रियत का प्रश्न था कि भारत सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है, चाहे वो कश्मीर के अलगाववादियों का था, चाहे वो पाकिस्तान के साथ की बात थी, चाहे वो चीन के साथ की बात थी, कि शांति का जो प्रस्ताव है वो हमारे देश से किया जाए। इसलिए उस शांति के प्रस्ताव के लिए जो माननीय मोदी जी ने भी जाके 25 दिसंबर को नवाज शरीफ से भेंट करने की अचानक एक प्रयास किया था, ये सब प्रयास जो है वो हमारे यहाँ से होता रहा है, और इस कड़ी में हम लोग कभी कभी उनके साथ रियायत भी करते हैं। मगर अगर देखते हैं कि हमारे प्रयासों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमें कानून का भी अपना काम करना पड़ेगा।